दोस्तों, चैनल जोगनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करना ना भूले। चैनल का नाम है जोगनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो देखो, आज मैं आपको बताऊंगा ग्राम पंचायत बड़ला सरपंच साहब के विकास के बारे में। तो हमारे ग्राम पंचायत बड़ला सरपंच साहब ऐसे हैं, सरपंच हो तो ग्राम पंचायत बड़ला सरपंच शिवराज जाट जैसा, वरना सरपंच ही नहीं चाहिए हमको। क्योंकि ग्राम पंचायत बड़ला में इतना विकास कराया है कि मत पूछो बात। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहना ही क्या है, मोदी सरकार यानी कि ग्राम पंचायत बड़ला सरपंच बीजेपी सरकार आई है। और हमारे गांव में बड़ला सरपंच जैसा तो कोई सरपंच ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम कराया है, बहुत विकास कराया है, विकास की गंगा बहा दी। तो सरपंच हो तो ग्राम पंचायत बड़ला सरपंच शिवराज जाट जैसा, वरना सरपंच ही ना हो। क्योंकि ग्राम पंचायत बड़ला में सभी काम करवाए, नल का, नालियों का, रोड का, गिटी रोड सभी काम उन्होंने ही करवाया है। और गांव पितास में करवाया है, गांव अमरता में करवाया है, और गांव खरेड़ में करवाया है, और गांव सुलका खेड़ा में करवाया है, खरेड़ का झोपड़ा में करवाया है। सभी विकास की गंगा बहा दी। देखो सभी गाँव में नांदोले का खेड़ा और बड़ला का खेड़ा और ग्राम पंचायत पूरा पंचायत आ चुकी है। 5-7 जो भी गांव हैं उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा काम कराया है। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में यानी कि आने वाले जो वोटिंग होगी सरपंच की, मेरी बात मानो तो अब की बार भी ग्राम पंचायत बड़ला सरपंच साहब शिवराज जाट ही आने चाहिए। क्योंकि और हाँ, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये वीडियो मेरी मर्जी से नहीं डाल रहा हूँ। कि आप ये सभी समझ सकते हो कि मेरे YouTube चैनल पर पैसे आएंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे और व्यू बढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो पांचों गांवों ने बोला है कि भाई ग्राम पंचायत बड़ला सरपंच साहब शिवराज जाट ने बहुत अच्छा काम करवाया है, तो उनका वीडियो चैनल पर होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम तो जानते हैं, पाँचों गाँव जानते हैं, अच्छा काम करवा रहे हैं, लेकिन देश विदेश आसपास के गांव सभी को ये मालूम पड़ना चाहिए कि एक ऐसा सरपंच भी हैं जो रात को आधी का ही फ़ोन करते तुरंत तैयार हो जाता है। हम 2 बजे फ़ोन लगाते हैं शिवराज जी के, तो वो आ जाते हैं। हम रात को 12 बजे फ़ोन लगाते हैं तो वो काम के लिए आ जाते हैं, उसे कहते हैं सरपंच साहब। और हाँ, ऐसे सरपंच होते हैं कि फ़ोन लगाते हैं, कहाँ पर हो, होते हैं गाँव में, बताते हैं जोधपुर, भीलवाड़ा, राजस्थान, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, घूमने चले गए। ऐसे सरपंच साहब हमारे नहीं हैं। हमारे सरपंच तो बिल्कुल सही हैं, शिवराज जाट ग्राम पंचायत बड़ला सरपंच शिवराज जी जाट भाई साहब बहुत ही अच्छे हैं। और हाँ, पांचों गांवों में से 5 उन्होंने मेरे को बोला है कि वीडियो बनाओ और यूट्यूब चैनल पर अपलोड करो। इसलिए मैं चैनल जोगनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री ग्राम पंचायत बड़ला सरपंच साहब शिवराज जी जाट का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप इनको देखें और बातें सीखे, ऐसे सरपंच की जरूरत है। और आपके गांव में कैसे सरपंच हैं, कैसे नहीं हैं, कमेंट में जरूर लिखे। हमारे तो सरपंच साहब बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे ही दिलचस्पी वीडियो ग्राम पंचायत बड़ला के सरपंच साहब के वीडियो, इसी तरह के दिलचस्पी वीडियो देखने के लिए चैनल जोगनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप घर बैठे वीडियो का आनंद ले सके। तो दोस्तों, भूले नहीं, चैनल का नाम है जोगनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत बड़ला सरपंच शिवराज जी जाट जैसा सरपंच कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत ही स्वभाव के अच्छे हैं, अच्छे उनके गुण हैं, अच्छी बातें करते हैं और सबके साथ रहते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, सभी का साथ देते हैं। ऐसा नहीं कि भी कोई बड़े लोग फ़ोन कर रहे हैं तो आ जाते हैं, छोटे की नहीं सुनते। बिल्कुल 5 साल का बच्चा भी अगर उनको फ़ोन लगाएगा कि शिवराज जी भाई साहब हमको ये काम है, तो वो तुरंत उठकर गांव में आ जाएंगे, चाहे कहीं पर भी हो। अगर बाहर गांव में हो, बाहर देश में हो, तो वीडियो पर बात कर लेंगे, फ़ोन पर बात कर लेंगे, वीडियो कॉलिंग कर लेंगे, लेकिन उनको संतुष्टि देंगे कि भाई मैं 3 दिन में आऊँगा, 4 दिन में आऊँगा। देखो, इसलिए उनकी जनता खुश हैं और उन पर मोहित हैं। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत बड़ला सरपंच शिवराज जी जाट जैसा कोई सरपंच न तो हुआ है और ना ही होगा। इसलिए आने वाले वोटिंग में सरपंचों की लिस्ट में उन्हीं का नाम आएगा और उन्हीं को जिताएंगे। और सभी का कहना है कि वही सरपंच हमको चाहिए, क्योंकि आम जनता की पुकार है, मेरी नहीं। मैं तो YouTube चैनल के माध्यम से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं भी उनका फैन हूँ, सभी फैन हैं। देखो, सरपंच हो तो ग्राम पंचायत बड़ला सरपंच शिवराज जाट जैसा, वरना सरपंच ही हमको नहीं चाहिए। तो दोस्तों,
इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहना हमारे चैनल जगुनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो के साथ। चैनल का नाम है जगुनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो हाँ, ग्राम पंचायत बड़ला के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। देखो, ये गांव जनता खुश है उनसे, इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले में उन्होंने विकास कराया है और विकास की गंगा बहा दी। गंगा ही नहीं, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि भाई वो घर समान, सबको घर समान समझते हैं। कोई दुख, इसमें दुख है तो वो तुरंत आ जाते हैं। 5 साल का बच्चा भी अगर उनके फोन लगाता है तो वो आ जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी भाई साहब का, ग्राम पंचायत बड़ला, सरपंच साहब शिवराज जी जाट का। मैं उनको बार बार हाथ जोड़ता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सरपंच हमको, ऐसे सरपंच साहब की हम सभी को जरूरत है, और आप हमारे ऐसे ही काम करते रहना। ग्राम पंचायत बड़ला, सरपंच साहब शिवराज जी जाट, जय हो, जय वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम।